द्वारिका हिंदुओं के माने जाने वाले सबसे बड़े तीर्थों में से एक है, लेकिन जितना वो अभी ऊपर दिखता है उतना ही नीचे पानी में भी छुपा हुआ है। आप सभी ने ये कहानी तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि द्वारिका नगरी जो है पानी के अंदर डूब गई है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो रहस्यमय चीज़ें जो आज भी पानी के नीचे दबी हुई है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमेलिका वर्ल्ड में। प्रेम से बोलिए राधे राधे और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बसे द्वारिका गुजरात से बेसिकली लोकेट करते हैं। यहाँ पे आज तो एक बहुत ही विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन बहुत ही हजारों वर्षों पूर्व कृष्णा की नगरी हुआ करती थी, वो भी पानी पर। अगर माइथोलॉजी की सुने तो गांधारी के श्राप की वजह से द्वारिका नष्ट हुई, और साइंस की अगर माने तो जल स्तर बढ़ने की वजह से द्वारिका जल में डूब गई। लेकिन अब डूबी हुई चीज को सत्य साबित करने के लिए जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने बहुत सारी द्वारिका के अंडर वाटर जाके रिसर्च करी, जिसमें 1930, 1969, 1970 में बहुत सारी रिसर्च करी गई। एंड सारे फोटोज आप देख सकते हैं, ये सब अंडर वाटर द्वारिका के ही हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर्स इन द डेप्थ, और बहुत अजीब अजीब तरह के पत्थर वहाँ देखने को मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि वहाँ कोई नगरी हुआ करती थी। और इतने बड़े बड़े विशाल काय पत्थर है, कोई गोल आकार में है तो कोई कैसे हैं, जो कि मतलब आज देखने को हमें नहीं मिलते हैं। और सबसे विशेष पत्थर का फोटो आपको दिख रहा होगा, ये गोल पत्थर और इसकी साइज इतनी ज़्यादा थी इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सारी चीज़ें आज भी पानी में मौजूद है, सबके सिर्फ फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं अंडर वाटर कैमरा द्वारा। एंड आप देख सकते हैं एक बर्तन का फोटो आने वाला है जिसमें माना जाता है परफ्यूम स्टोर किया करते थे। एंड ये भी वहाँ से मिला है जिसको जब ट्रैक किया तो ये कुछ भी 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व का निकला। बहुत सारे कलाकृतियाँ भी निकली है जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। और आपने देखा होगा जो पहले राजाओं के यहाँ होते थे वो ऐसे हाथ जोड़ के एलिफेंट्स वगैरह के बहुत सारे स्कल्पचर्स लगाते थे, सो उन जैसे भी बहुत सारे अंदर पानी में मिले हैं। एंड जिन पे बहुत ही अभी काई जम गई है क्योंकि इतने वर्षों से वो पानी में रखे हुए हैं, उनका भी फोटो आपको आगे जल्दी देखने को मिलेगा। ये सब अंडर वाटर द्वारिका के ही व्यूज़ हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होगी जो कि आप भी कहेंगे कि बिल्कुल ये द्वारिका ही है। सन 2000 में भी SR Rao के टीम ने जब सरकार से बोला कि यहाँ से कुछ अलग ही प्रकार का इतिहास बाहर आ सकता है और पूरे संसार को एक अलग ही चीज जानने को मिल सकती है, तो SR Rao की टीम ने सरकार को एक प्रपोजल भेजा। उन्होंने 13 करोड़ कुछ लोगों का कहना है एज पर गूगल, और कुछ लोगों का कहना है 16 करोड़ डिमांड किए सरकार से द्वारिका के लिए एक्सकेवेशन करने का, वो भी अंडर वाटर। लेकिन सरकार ने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया एंड ये काम अब आगे चल नहीं रहा है क्योंकि इसका एक्सकेवेशन रोक दिया गया है। जितना एक्सकेवेशन हुआ है आप सोचिए कि वहाँ से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, उस समय में तो आज की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है और आज क्या क्या पता चल सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही जो भी चैनल पे नए हों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नीचे रेड कलर का बटन दबा के।